नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मार्च का महीना लेकर आ रहा है, ग्रहों के अनेक शुभ संयोग, धन से मालामाल बनेंगे कुल 6 राशि वाले लोग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन और कुछ खास समय दूसरों की तुलना में अनुकूल होते हैं? दोस्तों, ये ग्रहों की अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के कारण होता है। इन्हीं के फलस्वरूप अच्छे और बुरे दिन आते हैं। हर नए महीने के साथ लोगों की नई आकांक्षाएं, उम्मीद, संभावनाएं जुड़ी होती है। हर नए महीने के साथ लोगों में नए लक्ष्य हासिल करने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के नए जोश का संचार होता है। मार्च का ये नया महीना ग्रहों के गोचर और उनके प्रभाव से भरा रहने वाला है। सारी राशियों पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। मार्च का तीसरा और सर्दियों और बसंत के बीच का एक महत्वपूर्ण महीना महाशिवरात्रि के शुभ महापर्व के साथ शुरू हो रहा है। इस महीने में होली का पावन त्यौहार है। इस महीने मकर राशि में 4 ग्रहों का खास योग बनने जा रहा है। इस महीने में 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इससे चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। मार्च के महीने में बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। 15 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मकर राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में तो केतु 15 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मकर राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में तो केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। मार्च इसके महीने में कुछ खास दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। ये योग कुछ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाले हैं। ये ग्रहों की स्थितियाँ कुछ खास योगों का निर्माण कर रही है, जिसके कारण अब कुछ विशेष राशियों के जातकों की किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। ये धन से मालामाल हो जाने वाले हैं। मार्च 2023 के महीने में मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा इन कुछ राशि वाले जातकों के ऊपर होने वाली है। इन जातकों का घर धन धान्य संपत्ति से भर देने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं राशियों के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि इसमें शामिल है या नहीं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अब आइए देखते हैं इस महीने की सबसे पहले भाग्यशाली राशि कौन सी है। पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का भाग्य 7वें आसमान पर रहने वाला है। ये महीना धन संबंधी मामलों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। नौकरी पेशा जातक पदोन्नति, वेतन वृद्धि पा सकते हैं। धन के नए स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो चुकी है। अब तक जो विघ्न बाधाएं कार्यों में आ रही थी, वो सब परिस्थितियां चमत्कारी रूप से बदलने लगेगी। इस महीने बनने वाली कई तरह के शुभ ग्रह योग आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुख में, संतान सुख में कोई कमी नहीं आएगी। घर परिवार में खुशहाली रहेगी। धार्मिक मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। ध्यान न देने की वजह से पैदा हुई छोटी गलतियां बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका आंतरिक शांति प्राप्त करना है। मार्च में कन्या राशि के लोग इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपके पास
बचा खाली समय आपके मनपसंद आनंद आई चीज़ों में बिताएं, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगली खुशकिस्मत राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च महीना बहुत ही खुशियां लेकर आएगा। धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनी से लाभ के योग हैं। सफलता के नए मुकाम आप इस महीने में हासिल करेंगे। नौकरी इच्छुक जातक मनचाही नौकरी पा सकते हैं। घर परिवार में खुशहाली रहेगी। विवाह इच्छुक जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। अपनी आंखें खुली रखें और अपने जीवन साथी से मिलने का मौका न भूलें। इस समय परिवार का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार में भी शांतिपूर्ण स्थिति और सद्भाव की उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये मार्च का महीना आपकी मनोकामनाओं को, इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। वर्तमान की नई सकारात्मक ऊर्जा के कारण तुला राशि तनाव से आसानी से निपट जाएगी। अब अगली जो खुशहाली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों पर मार्च के महीने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। रुके अटके कार्यों में गति मिलेगी। ऐसे कार्य पूर्णता की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस महीने किसी समारोह में आनंद होगा। किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से सफलता की नई उम्मीद मिलेगी। शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्ति के दृष्टि से ये महीना बहुत ही अनुकूल रहेगा। अच्छे परिणाम हासिल होंगे। सुशील संतान प्राप्ति के योग हैं। हर कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। नई परियोजनाओं का आरंभ सफल तरीके से कर सकते हैं। शायद मकर के पास मार्च में बहुत खाली समय नहीं होगा, लेकिन याद रखें कि प्रतिबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब काम करने की बात हो तो ज़्यादा निष्क्रियता न दिखाएं। कुल मिलाकर ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अब अगली यानी चौथी भाग्यवान राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना अनेक रूप से लाभदायक रहने वाला है। बड़े व्यवसाय की योजनाएं, बड़ी नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में दिलचस्प अवसर होंगे और ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा कि क्या ये वास्तव में उपयोगी है या नहीं। इसलिए आप एक दुविधा का सामना कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने के योग हैं। कहीं अटका धन वापस मिल जाएगा। वित्तीय संस्थाओं की मदद मिलने के कारण आर्थिक मजबूती मिलेगी। पहले से कहीं ज्यादा लाभ होने जैसे अवसर प्राप्त होंगे। जहां आपके स्वास्थ्य की बात आती है तो इस महीने सितारे आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर महीने की ग्रह दशा आपके किस्मत के ताले खोलने वाली है। अगली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों की किस्मत में मार्च महीने में चार चांद लग जाने वाले हैं। इस महीने बनने वाले ग्रह योग, शुभ संयोग ये काल आपके लिए विशेष बनाने वाले हैं। निवेश करने के लिए ये समय काफी अनुकूल रहने वाला है। योजनाओं की पूर्ति में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। अकस्मात धन प्राप्ति के योग है। जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी। ग्रह सुख, वाहन सुख मिलेगा। धन आगमन निरंतर बना रहेगा। इस महीने में मेष राशि के लोगों की और सिर्फ अपने चरित्र को बल्कि रोजगार की स्थिति को भी मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मेष राशि के जातक मार्च में सकारात्मक ऊर्जा की उम्मीद कर सकते हैं। आप सभी मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परिवार में सद्भाव का आनंद लेंगे। रिश्ते बहुत ही अनुकूल होंगे और हालात भी सबसे गंभीर विषयों को हल करने के लिए उपयुक्त साबित होंगे। हालांकि दूसरों को आपके ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने ना दें। आपको अपने विचारों पर दृढ़ रहना होगा। क्रोध पर काबू रखें। लड़ाई झगड़े मानसिक परेशानी देंगे। कुल मिलाकर ये मार्च
महीना आपकी झोली खुशियों से भर देने वाला रहेगा। अगली और छठी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का भाग्य बदल के रख देगा। आपका हर निर्णय सफल और सही साबित होगा। दोस्तों रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। रुके कार्यों में गति मिलेगी। नए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के योग हैं। अपने सहकर्मियों से प्रेरणा की कमी की वजह से कार्यस्थल पर अपना प्रदर्शन स्तर कम ना होने दें। आपको हर किसी के मुकाबले बेहतर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पीछे ना रहें। वित्तीय मामले सुलझते नजर आएंगे। धन संपदा में वृद्धि होगी। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। ये काल प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा। दीर्घकालिक रिश्ते कामयाब होंगे, लेकिन जिनके पास साथ ही नहीं है वे स्थिति से ज़्यादा नहीं पाएंगे। इस अवधि में उत्पन्न होने वाले रिश्ते पूरी तरह अनुकूल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर ये मार्च महीना आपके लिए भावनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आर्थिक लाभ भी कराने वाला है, तो बहुत ही आनंददायी, शुभ फलदायी और धनदायी स्थिति इन छह राशि वाले जातकों की बनने वाली है। जीवन का आनंद उठाएं, खुशियां बटोरने के लिए तैयार हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।